बढ़िया, ये सोने के लिए भी तैयार होना चाहिए ताकि मैं क्षेत्र में गश्त लगा सकूं। मुझे रेडियो पर एक अजीब सा मैसेज मिला। अच्छा, वो क्या? रॉकेट नाम के एक व्यक्ति को एक लेजर तोप डिलीवर की जा रही है। क्या रॉकेट? उसे भैंस की आंख, ये अच्छा नहीं है। ओए, क्या तुम उसे जानते हो? कौन है वो? रॉकेट एक रेंजर है और मेरा कभी दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब वो मुझसे नफरत करता है और मुझे मारने की कोशिश करता रहता है। आओ हम हवाई अड्डे की ओर चलें। हम पहले कुछ ज़ॉम्बीज को मारेंगे, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि आखिर रॉकेट के साथ क्या हुआ था। अच्छा तो चलो ठीक है, ब्रदर वहीं चलते हैं। मेरे आदमी ने मुझसे कहा कि हवाई अड्डे पर कुछ रॉकेट मिल सकते हैं, तो तुम जाओ और जाकर देखो वहाँ पर। ठीक है, तो चलो मैं वहीं चला जाता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। और आज फिर से हाजिर हूँ मैं अपनी प्यारी वर्किंग ज़ॉम्बी 2 के साथ, और मैं चक के साथ आया हूँ यहाँ एयरपोर्ट, क्योंकि हमें रॉकेट के बारे में जानना है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ और वो फिर इसके पीछे क्यों पड़ा है, आखिर यानी चक के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। लेकिन पहले हमें कुछ ज़ॉम्बी को मारना है, जिसके बाद मुझे ये चक बताने वाला है कि आखिर रॉकेट के साथ हुआ क्या था। और रॉकेट इसका दोस्त है नहीं मतलब था। ओए इधर हो। एक बात है, चक साथ में है तो भाई ज़ॉम्बीज को अच्छी तरह मार लेता है ये। और कौन है यहाँ पर? यहाँ पर होने चाहिए शायद। वो क्या 12 ज़ॉम्बी और आ रहे हैं, ये ले। ओए कौन है? ओए कुत्ता, ज़ॉम्बी कुत्ता। ओए चक क्यों बीच में क्यों घुस रहा है? दूर हो जाना, ये बिना वजह मेरी रियाफत खड़ी कर रहा है। ओए एक और कुत्ता, ये ले। चलो, लेकिन हमें कोई अच्छी सी जगह ढूंढनी होगी सभी ज़ॉम्बीज को मारने के बाद, ताकि मैं इनकी कहानी सुन सकूं। ये ले, वो मर गया, तू क्यों बच गया? अरे चौक मार इसको। अरे वाह, चौक ने तो घुसंड से ही मार दिया इसको। चलो दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ ज़ॉम्बी बचे हुए हैं, उनको भी क्लियर कर देता हूँ। ओए रुक जा, ये ले खोपड़े में खा। ओए ये बॉम्ब कौन फेंक रहा है? आय बॉम्ब नहीं, ये तो थूक रहा है। ये ले ये ले ये ले ये ले, चौक मार इसको, मार इसकी भैंस की आंख। और कौन है? इस तरह तो नहीं है ना कोई, यहीं यहीं से आ रहे हैं। ओए हट जा मेरे रास्ते से, वरना तेरा खोपड़ा उड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सीट एंड लिसन चक स्टोरी, चलो यहाँ बैठते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि रॉकेट मुझसे नफरत क्यों करता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या तुम नहीं जानते कि हम यहाँ पर एक बहुत जरूरी काम करने आए हैं? तुम पूरे शहर के ज़ॉम्बीज को आकर्षित कर रहे हो। मैं अपनी ओर आकर्षित होने वाली हर चीज को खत्म कर दूंगा, तो समस्या किस बात की? हाँ रुक जाओ इसी वक्त। बिल्कुल नहीं। कोई भी बेवकूफों वाला काम मत करना। मैं कार ले आऊं, फिर हम यहां से चले जाएंगे। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें फिर लेने वापस आऊंगा, कसम से। अरे नहीं यार, तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आया हूँ यहाँ पर रॉकेट लेने के लिए हमारे मेयर साहब के लिए। तो ठीक है, इसके अंदर वो रॉकेट होना चाहिए और मुझे पहले इसको काटना पड़ेगा। ओए हट जा आंटी,
तेरा क्या पता कब तू मेरे पीछे पड़ जाए। तो ठीक है दोस्तों, इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ज़ॉम्बी तो भरे पड़े हैं ने। ओए बाहर आ जाओ, ओए फटाफट से आ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। ओह हट गया, ये तो बाहर से ही हट गया, फट गया। चलो दोस्तों अब मुझे ऊपर जाना होगा। ओए ऊपर कौन है? ऊपर तो कोई ज़ॉम्बी नहीं है ना? ओए खोज ले, जल्दी देख क्या वे चाबी मिली है। तो चलो दोस्त, ओए रुक जा, किससे पूछ कर अंदर आ रहा है तू? ये ले, बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं दोस्तों यहाँ पर। और अब जैसे जैसे गेम आगे बढ़ती जा रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। सही बताऊँ तो अनडाउन से तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ओए रुक जा, ये आर्मर्ड वाले ज़ॉम्बीज हैं। अनडाउन के बारे में बताऊँ तो शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में सब कुछ कचरा हो गया, बिल्कुल टट्टी, ना कोई डायलॉग ना कोई कुछ भी नहीं, सारा मूड ख़राब कर दिया दोस्तों। उससे तो यही अच्छी है। ओए हटना, क्या टक्कर मार रहा है? ऊपर से तेरा भेजा गिर जाएगा नीचे, ढक्कन तो उतरा हुआ है। चलो दोस्तों अब मुझे इसे काट देना है वेल्डर के साथ, ये कट हो जाएगा तो इसके अंदर मुझे कुछ मिलेगा। ओए ये रहा, ठीक है दोस्तों मुझे मिल गया है सारा यहाँ पर एमोनेशन। ये मैंने अपनी गाड़ी में सारे के सारे रिलोड कर लिए। तो चलो दोस्तों अब मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। ओए अब मैं आ चुका हूँ डॉक्टर एंड्रियो के एक और मिशन पर। अब डॉक्टर एंड्रियो पता नहीं कैसे जादू टोने वाले काम करने के लिए बोल रहा है। वो बोल रहा है कि दो डॉल ला कर दो जो कि शिविर में पड़ी हुई है। ओए हट जा, ये ले तेरे खोपड़े को उड़ाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे अब दो डॉल ढूँढनी होंगी। पता नहीं ये कैसे कैसे काम करवा रहा है मुझसे। चलो कोई बात नहीं, अगर हमें अपनी मदद करवानी है तो भाई इनके काम तो करने ही पड़ेंगे ना। तो ठीक है दोस्तों मुझे कचरे में ढूंढना पड़ेगा, क्या यहाँ पर कोई डॉल मिलेगी। ओए ये रही एक, कितने डरावनी डॉल है ये। ओए दूसरी कहाँ मिलेगी इसके अंदर? यहाँ बैरियर पड़ा हुआ है तो मुझे लगा ही था कि यहाँ काफ़ी मस्त फाइट होने वाली है। तो ये ले, ओए रुक जा, ओए पीछे से कौन आ रहा है भाई? तू कहाँ से आया? ये कहाँ से निकल कर आ रहा है दोस्तों? आपको पता है क्या किसी रास्ते का? मुझे तो नहीं पता, हट खोपड़ी फोड़ दूंगा वरना निकल ले यहाँ से। ये रहा एक और। तो चलो दोस्तों अब मुझे यहाँ से अंदर चलना होगा। ओए और आ रहे हैं, ये ले। अरे फूटा नहीं, ओए फूट जा, ये ले। ठीक है दोस्तों बैरियर फूटा तो सभी ख़त्म, अभी थोड़े और ज़ॉम्बी आने बाकी हैं। ये हो गया क्लियर। तो अब मुझे यहाँ पर एक छोटा सा पुल बनाना होगा, और तो कोई नहीं है ना। तो मुझे लग रहा है कि दूसरी डॉल हमें यहीं पर मिल जानी चाहिए। ये रहा कूड़ेदान, कूड़ेदान। ठीक है दोस्तों ये मिल गई है मुझे दूसरी भी डॉल। एस बी खुश हो जाएगा डॉक्टर एंड्रियो इनके साथ। तो खेलता रहिए बच्चों के जैसे, मुझे नहीं पता क्या एक्सपेरिमेंट करने वाला है, लेकिन आप लोग चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना मेरे भाइयों।